हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय रास किचन तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो कि हम डेली करें ना तो वो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना जो गैस का चूल्हा होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसका जो बर्नर होता है उसमें से भी गैस की जो लॉ होती है ना वो पूरी तरह से निकल नहीं पाती है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसे कैसे क्लीन करना है तो सबसे पहले ये जो प्लेट होती है उसकी निकाल के हम इसको पानी में सिंपल पानी मैंने नॉर्मल पानी लिया है इसको इसमें भिगा लेंगे और इसका जो ये स्टैंड है इसको भी निकाल के पहले हम पानी में भिगाएंगे ताकि जितनी भी इसमें गंदगी जो चिपकी हुई है ना खाना वगैरह जो दूध गिर जाता है चाय गिर जाती है वो चिपक जाते हैं और जल्दी से साफ़ नहीं हो पाते तो सबसे पहले इसे हम भिगा लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे भीगने के बाद ना ये ईजिली साफ़ भी हो जाता है तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अभी नॉर्मल पानी में ही भिगाया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे विम जेल जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं ना या फिर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं जो जिससे आप कपड़ा वॉश करते हैं वो ले लीजिए और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ना बेकिंग सोडा इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे यानी पाँच से दस मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए पानी में और उसके बाद देखेंगे ना बिल्कुल अच्छे से ये फूल जाएगा और जब तक ये भीगा हुआ है ना उसकी प्लेट जो हमने भिगा के रखी है तब तक हम ये जो चूल्हा है इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे क्योंकि जहाँ पे जॉइंट होता है ना जहाँ पे इसके स्क्रू लगे होते हैं ना वहाँ पे बहुत ही मोटा सा जम जाता है और बहुत ही गंदा हो जाता है साफ़ नहीं होता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा जहाँ पे देखिए मैंने काला काला जहाँ दिख रहा है ना वहाँ पर ज़्यादा डाला है और पूरे चूल्हे पर हम इस तरह से बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मोटा सा यहाँ पर जमा हुआ है और बहुत ही ईजी साफ़ हो जाएगा ये हम इसको जब डालेंगे बेकिंग सोडा से क्योंकि ना जब भी कोई गंदगी चिपकी होती है ना तुरंत इसी अगर हम साफ़ करना चाहें तो वो साफ़ नहीं होता है थोड़ी देर इसे भिगा के रखेंगे ना तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा तो ये मैंने इसमें डाल रही हूँ विम जेल उसके बाद सारे चूल्हे पे ना हम इसे फैला देंगे और इसका जो बर्नर है उसे भी हम हटा देते हैं इस बर्नर को भी इसी पानी में जो सोडा वाला पानी था ना इसी में हम भिगा देंगे बर्नर को भी ताकि अच्छे से ये भी साफ़ हो जाए और इसमें जो हमने विम डाला हुआ था इसको भी अच्छे से फैला लेंगे स्क्रबर लेके तो जहाँ पे ये मोटा सा काला सा जमा हुआ है ना यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से फैला लेंगे लगा देंगे पूरा अच्छे से और इसको हम छोड़ देंगे पाँच से दस मिनट या दस से पंद्रह मिनट आप छोड़ दीजिए इसको पूरा गीला करके छोड़िए और उसके बाद आप देखेंगे ना बहुत ईजिली ये साफ़ भी हो जाएगा तो उसको मैंने छोड़ दिया है अभी और ये जो प्लेट है ना आप देख सकते हैं मैंने इसे भिगा दिया था अभी बिल्कुल आसानी से हमने जो तार वाला स्क्रबर होता है उससे साफ़ करेंगे ये देखिए कितनी आसानी से ये साफ़ भी हो जाएगा बहुत ही कम मेहनत लगेगी बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाएगा कितना भी गंदा होगा ना अगर आप इस तरह से साफ़ करेंगे ना इसको भिगा के दस मिनट पंद्रह मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो आप जितना देर तक इसे भिगाएंगे ना उतनी ही आसानी से यह आप साफ़ हो जाएगा कितना भी गंदा चूल्हा हो कितने दिन का भी गंदा हो मोटी से मोटी जमी हुई गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी और ये जो बर्नर है ना बर्नर को भी हम इसी तरह से साफ़ कर लेंगे आप देख सकते हैं ना कभी कभी होता है कि जो गैस की जो लॉ होती है वो निकल नहीं पाती पूरी अच्छे से तो क्या होता है वो जो होल होते हैं ना छोटे छुट छोटे तो वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं क्योंकि दूध गिरते हैं या फिर चाय गिरती है कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके पानी वगैरह गिरते रहते हैं ना देखिए इस तरह से बंद हो जाते हैं होल तो इसी स्क्रबर से मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ आराम से आप देख सकते हैं कितना गंदा सा ये निकल रहा है इसमें से पूरी गंदगी आप देख सकते हैं तो इसी तरह से आप साफ़ कर लीजिए और इसका जो होल बंद हुआ हुआ है ना वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करना है बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा तब तक हम इसे पहले स्टैंड इस को भी साफ़ कर लेते हैं आप देखिए कितनी गंदगी बिल्कुल काला काला सा इसमें निकल रहा है तो भिगाने से एक फ़ायदा ये होता है ना कि आसानी हो जाती है कुछ भी साफ़ करना होता है तो क्योंकि उसकी जितनी मिट्टी वगैरह होती है ना फूल जाती है और ये देखिए मैंने टूथ लिया हुआ है अगर आप पास टूथ नहीं है ना तो आप कोई भी नेडल ले लीजिए सुई ले लीजिए मोटी वाली सुई होती है ना उससे भी आप कर सकते हैं सारे होल में इस तरह से करेंगे ना तो पूरी तरह से खुल जाएंगे और गैस की जो लौ है ना पूरी तरह खुल के आएगी आपका जो चूल्हा है बहुत ही तेज़ आँच देगा तो ये मैंने टूथ पिक से ना सारे होल में इस तरह से कर दिया है और अच्छे से ये साफ भी हो चुका है तो मैं आपको इसको ना वॉश करके दिखाती हूँ तो ये मैं सारे चूल्हे जो बर्नर है ना और प्लेट इसकी देखिए आप कितनी चमकने लग गई है पहले ये कैसी थी और अब कैसी हो गई है तो इसी तरह से साफ़ कर लेते ना कैसा भी गंदा कितना भी गंदा चूल्हा या कोई भी ऐसी जली हुई चीज़ है ना आप इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसको साफ़ कर लीजिए पहले पानी से उसको धुल लेते फिर हम उसके बाद चूल्हा जो है हमने भिगा के रखा हुआ था ना उसको भी हम साफ़ करेंगे देखिए बर्नर भी हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है तो बस इसको हम साफ़ करने के बाद अपना गैस जो चूल्हा है उसको भी साफ़ करेंगे क्योंकि हमने दस से पंद्रह मिनट तक इसको छोड़ दिया था जब तक कि हमारा चूल्हा भीगा हुआ है तब तक हमने इसको भी क्लीन कर लिया है उसके बाद हम चूल्हे को भी कर लेंगे ताकि इतने टाइम में हमारा दोनों भी काम हो जाए साथ ही साथ तो आप देख सकते हैं बर्नर के जितने भी होल थे वो खुल चुके हैं और अब हम चूल्हा भी साफ़ करेंगे देखिए पूरी तरह से अच्छे से भीग के अच्छे से इसकी जितनी मिट्टी हुई थी ना जमी हुई थी जो काले काले वो सब भी फूल गए हैं तो इसी जाली वाले स्क्रबर से हम इसमें विम जेल ले लेंगे और इसके बाद इसको भी इसी तरह से हम साफ़ करेंगे तो जहाँ पे काला काला सा जमा हुआ है ना वहाँ पे इसको अच्छे से हम घिस लेंगे इससे और आसानी से ये निकल जाएगा और ये जहाँ पे ये मोटा वाला है ना ये भी अच्छे से फूल गया है तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा इसको नाइफ़ से करना पड़ेगा क्योंकि तो बहुत यहाँ पे मोटा सा हो गया है क्योंकि यहाँ पे पेच लगा हुआ है ना इस्क्रू जो होता है तो यहाँ पर जॉइंट वाला है ना तो इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा नाइफ़ से इसको करना पड़ेगा ताकि आसानी से निकल जाए ये देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ अभी आपको निकालने के बाद कितना मोटा सा यहाँ पे जमा हुआ था और नाइफ़ से करने के ना इससे क्या होता है ना कि पूरा जितना भी जमा हुआ है ना वो निकल जाएगा आसानी से ये देखिए कितनी मोटी सी इसकी परत सी जम गई थी यहाँ पे और ये क्या होता ना, है ना डेली हम चूल्हा जब साफ़ करते हैं ना तो ये इस तरह से पूरा हम साफ़ नहीं करते अच्छे से बस ऐसे कपड़ा मार देते हैं और साफ हो जाता है और लेकिन ये हफ़्ते में अगर आप इस तरह से क्लीन कर लेना हफ्ते में कर ले या पंद्रह दिन पे कर लेना तो भी आपका चूल्हा बिल्कुल चमकता हुआ आपको मिलेगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम तो बहुत अच्छे से ये जो चूल्हा हमारा साफ हो चुका है आप देखिए कहीं से भी कुछ भी काला इसमें नहीं है बिल्कुल साफ़ चमकता हुआ आपको ये देखने को मिलेगा तो आई होप कि आज की ये वीडियो पसंद आ रही हो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मैं इसको गैस को ऑन करके भी दिखाती हूँ कि इसकी जो लव है देखिए पूरी कितनी अच्छे से आ रही है कोई भी इसमें होल बंद नहीं है अगर बंद भी होगा ना तो अभी उसमें पानी होगा इसलिए वो पूरा नहीं चल पा रहा होगा लेकिन ये पूरा अच्छे से खुल के आती है क्योंकि अब ये पूरी तरह से साफ़ भी हो चुका है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा